गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम अपर्णा, यू आर वॉचिंग अपर्णा नटी व्लॉग्स। सो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने क्योंकि आज है मम्मा पापा की एनिवर्सरी, तो कमेंट में सारे लिख दे रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मिलते हैं मंदिर पहुँचने के बाद। ये रहे पापा, हम सब रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर, मिलते हैं मंदिर पहुँचने। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दादर स्टेशन, दादर स्टेशन से हम जा रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर और बहुत ज़्यादा रश है। अभी हम लोग लेंगे टैक्सी मंदिर जाने के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिद्धिविनायक मंदिर और अभी बस मंदिर के एंट्रेंस पे जा रहे हैं हम लोग। आगे जा रहे हैं दीदी एंड पापा, ये चल रही है। बहुत ज़्यादा धूप है, अभी फटाफट से मंदिर के यहाँ पे पहुँचते हैं, फिर आपको मंदिर के यहाँ का व्यू दिखाते हैं। अभी फटाफट से चल रहे हैं हम लोग। घूमने का नहीं हो? अच्छा कौन ये फालतू के जोक मारते हुए सारे दीदी को बहुत गर्मी लग रहा था। दीदी एक बार अपना लुक दिखाना। ये हमने एक्चुअल में पेड प्रमोशन वाले लोग हैं हमारे, ये पैसा दे के बोलते हैं। हमने पेट अंदर किया है इस समय, बस ये हमारा पेट हम डाटी पर। मम्मी बड़ी सुंदर आ रही है। ये एंट्रेंस के यहाँ पे अभी अंदर जाने के लिए चप्पल निकालनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आइए आइए फिर आओ मैडम, गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। धूप में चलना सो डिफिकल्ट, अभी देखते हैं। अभी फिर वापस से नंबर चल जाओगे अभी यहाँ से कुछ लेते हैं अंदर चढ़ाने के लिए, अपने शूज निकालते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों को। अरे हम लोग ने अभी लिया है। ये रे दीदी, दीदी कितनी सुंदर आ रही है मेरी। आज मैंने दीदी को रेडी किया है, मम्मा को भी मैंने रेडी किया है, खुद भी मैं ही रेडी हुई हूँ। एक सेकंड में बैक कैमरा से आपको गर्दी दिखाती हूँ। आ रहे हो टू मच ऑफ गर्दी। मेरे पापा बोल रहे मैं नहीं आ रहा। आ गए हम सारे। ये दीदी अभी फिलहाल लाइन में लगते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को लाइन में लगने के बाद। बाय। स्टिल वी आर इन लाइन बिकॉज ड्यू टू इतना रश, अभी तक लाइन में ही है रश की वजह से। ये स्माइल कर रही है बस, इतना गर्मी हो रहा है बट फटाफट से लाइन जा रही है, हम फटाफट जा रहे हैं। तो अभी मैं टकरा जाती हूँ यहाँ पे स्टॉल्स, फिर हम रुक गए। अभी चलते चलते फिर से रुक गए। वैसे तू और मैं आज सेम लग रहे हैं, मैंने और इसने सेम टी शर्ट पहना है। मेरा टी शर्ट दिखा, सेम सम टी शर्ट। मिलते हैं अंदर अंदर जाने के बाद। ये हम लोग मंदिर के यहाँ पे पहुँच चुके हैं, पापा तो दिखते ही नहीं है मेरे फोटो ना। अभी जस्ट अंदर की तरफ आए हैं, मेरे अंदर का मंदिर, अभी वहाँ पे जाना है। मिलते हैं अंदर पहुँचने के लिए। हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं, पीछे है मंदिर। अभी हम जा रहे हैं अपनी शूज एंड ऑल पहनने। ये रहा मंदिर। वेरी टायर्ड, दीदी रुकना बस, फटाफट से जाके चप्पल पहनते फिर कुछ खाते हैं फटाफट। एंड लेट्स सी
क्या अभी फिर प्लान है आगे का? फिर शाम को मम्मी पापा का केक कट करेंगे एंड मम्मी पापा के फेवरेट डिशेस मंगाएंगे और बस ऐसे एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करेंगे। बिकॉज ये 24th एनिवर्सरी है तो हम लोग ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट कर नहीं रहे एंड 25th या नेक्स्ट ईयर सब सेलिब्रेट करेंगे। शूज एंड ऑल पहन लिए, अब कुछ खाते पीते हैं, कुछ खाएंगे बिकॉज सुबह मम्मा ने टेस्टी टेस्टी आलू पराठे बनाए थे, सुबह टेस्टी टेस्टी आलू पराठे खाए थे हमने, फिर उसके बाद कुछ नहीं खाया, फिर अब खाएंगे हम। पसीना देख रहे हो, इतना गर्मी हो रही है, पीछे सारे हैं अभी वैसे इतना गर्दी नहीं है, नॉर्मल हो चुका है अभी। और अभी बज रहे हैं 3:19, मतलब 3:30 होने वाले हैं अभी। ओ, हवा चल रही है बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हवा। ठीक है, मिलते हैं। जाने के लिए वैसे रेडी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रेडी अभी गए हैं प्रसाद लेने, सबके चेहरे ये सारे थक चुके हैं। मम्मी तो हमारे बिल्कुल पुजारन है, इतने बड़े टीके लगा के आती है। ये रही दीदी, ये रही लाइन, वो दूर दिख रहे होंगे आपको डैडी। ये रही प्रसाद की लाइन, डैडी के फेवरेट है। यार अभी हम जा रहे हैं, क्या ले क्या भाई, टैक्सी ले, चलो चलते हैं कैब टैक्सी के लिए। ये दोनों दीदी और पापा जा रहे हैं आगे, मैं और मम्मा तो साथ में चलते हैं। हाँ, क्रॉसिंग दीदी कहाँ गए? फाइनली हमें कैब मिल चुकी है, कैब और टैक्सी। कैब की आदत हो गई, कैब बोलते नहीं, इसको काली पीली बोलते पापा, ये काली पीली टैक्सी है। और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बता दिया मैंने, मम्मी अपने मुँह से अपनी एनिवर्सरी बता रही है कि आज मेरे मम्मी पापा के एनिवर्सरी। ऐसे आज चार लोगों की एनिवर्सरी है ना, ये मम्मी इतने बढ़िया तरीके से बैठती है, ये दीदी बैठी है, सो रहे हैं बिल्कुल, ये लोग इन दोनों को सोने के अलावा कुछ काम नहीं होता। बस तुम हर ब्लॉग में हाय करते रहो, सब्सक्राइब को वो बोल रहा था, हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल, डू शंकर पाराइज वो बताए, वो मेरे को वो फ्लैश ऑन खाने आ चुके हैं और हम यहाँ पे खाने आए हैं, मामा खाने के यहाँ पे खाने आए हैं और अभी शायद से कर दिए, मिलते हैं थोड़ी देर में रेस्टोरेंट में खाने। ये दीदी बैठी है यहाँ पे, मैसेज पा रही हूँ मैं, बस पापा दोनों ही बहुत ही सीरियस बात करते, मम्मा को देखो, ये मम्मा बस हर बार हाय करती रहती है, मेरे पापा, मेरी हमारी मैडम, ये रही मैं, और बहुत ज़्यादा बोर, बहुत ज़्यादा भूख लगी है फिर हम सबको। हाँ ये पैसे दे के बोलने वाले लोग, पेड प्रमोशन वाले अभी चिटक रही है, ये व्लॉग में ऐसी हरकतें करती है और मैं फिर डाल देती हूँ, फिर मुझे कहती है व्लॉग में ऐसी हरकतें मत डाल, क्या ही बोले अभी इन व्यक्तियों का सड़ा मत। गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अभी हम लोग फटाफट फ्रेश होना पड़ेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर शाम का क्या प्लान है वो आपको वीडियो के थ्रू तो पता ही चल जाएगा, ज़्यादा कुछ बड़ा प्लान नहीं है, खाना वगैरह खाएंगे, केक वगैरह करेंगे और फिर कल वैसे भी सबकी छुट्टी है, कल फर्स्ट में देखते हैं, फिर अगर हो सका तो ये ब्लॉग में आज ही एडिट करके आज रात को ही डाल दूँगी, नहीं हुआ तो फिर ये कल मिल जाएगा आपको, कल मॉर्निंग में ना आपको में कल ब्लॉग मिल जाएगा, तब तक के लिए डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिसने भी अभी तक
ओल्ड वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो जाके देख लो, शॉर्ट्स वीडियोज़ भी अपलोड किए हुए हैं, डू चेक इट। और अगर नहीं मिल रहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सारी वीडियोज़ का, वहाँ से जाके चेक कर लो। मिलती हूँ मैं फ्रेश होने के बाद। वैसे आज मैंने मेकअप एनआर खुद किया और